नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ भंडारी और आप देख रहे हो टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं यूट्यूब से हर महीने कितना कमा लेता हूं और कितना कमा सकता हूं मैं यूट्यूब से, और मैं वेबसाइट है या नहीं है, वेबसाइट से कितना कमाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आधे में से स्किप करेंगे तो जान नहीं पाओगे या कट करेंगे तो आप लोग पूरी तरह से जान नहीं पाओगे मैं कितना कमाता हूँ वेबसाइट से और यूट्यूब से। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और वीडियो पर पहली बार या चैनल पर पहली बार आ रखे तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाकर काला कर दे, और साथ में घंटी और नोटिफिकेशन का बटन दबा ले, क्योंकि मैं यूट्यूब से संबंधित या अर्न मनी से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ, और वेबसाइट से संबंधित वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखे, आधे में से कट न करें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बात न करते हुए मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर देखेंगे, छोटे यूट्यूबर भी रहते तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि मैं गाड़ी खरीद लूंगा, महंगे बंगला खरीद लूंगा, ये सब अलड़ा फलाना ढिमकड़ा सब बोलते रहते हैं, मगर मैं ये सब बातें नहीं करता हूँ। मैं यूट्यूब से फ्रेंड्स अभी तक हर महीने इतना कमा लेता हूँ कि अपनी फैमिली का गुजारा चला सकता हूँ। आप सब लोग समझ सकते हो कि मैं घर में बैठ के या गांव में, घर में बोले तो मुंबई बड़े शहर में बैठ के अपनी फैमिली नहीं चला सकता, अपना फैमिली का गुजारा नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब से। हाँ, गाँव में रहूँगा तो उधर खेती बाड़ी करके अपना यूट्यूब से खेती बाड़ी करूंगा, और यूट्यूब से जितना पैसा कमा लेता हूँ उससे अपनी फैमिली चला सकता हूँ। आप लोग समझ सकते हो कि गांव में कितना पैसा लगता है, मिनिमम महीने के 10-12 हज़ार रुपये मैं यूट्यूब से कमा सकता हूँ आराम से, यूट्यूब से इतना पैसा कमा लेता हूँ। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखा सकता था, मगर प्रूफ दिखाना यूट्यूब पर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, और आप लोग समझ सकते हो मेरी बात को कि यूट्यूब से गाइडलाइन के खिलाफ है। तो मैं आपको इसके बारे में, यही जो मेरे गूगल एडसेंस के फोटो क्लिप है मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। अब रही वेबसाइट के बाद, वेबसाइट तो मैं चलाता हूँ फ्रेंड्स, मगर मैं उससे कोई अर्निंग नहीं करता हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने वो अभी तक मोनेटाइज के लिए डाला नहीं है, और मोनेटाइज के लायक तो हो गया उसमें जो बोलते हैं कि 50-60 पोस्ट लिखकर भेजने का है, उसका मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मगर अभी तक मैंने उसको मोनेटाइज के लिए अनेबल कर रखा है, मोनेटाइज से अनेबल रखा है, उससे मैं कोई पैसा नहीं कमाता हूँ फिलहाल, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ यूट्यूब पर करता हूँ, और दोनों एक साथ में, तीनों चारों एक साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि लंबी ड्यूटी 8-9-10 घंटे की ड्यूटी रहती है, और उसके बाद घर पे आओ 12-13 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है, 12-13 घंटा उस पर लगा के, 1-2 घंटा यूट्यूब पे लगा के 14-15 घंटा हो जाता है, 14-15 घंटा बहुत होता है एक दिन में, उसमें खाना पीना ये वो अना फलाना ढिमकना कपड़ा धोना नहाना फिरना सब इसी के अंदर आता है, 24 घंटे होता है एक दिन का, एक दिन में मैं कम से कम 15-16 घंटा काम करता हूँ और 7-8 घंटे सोता हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए कितने मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो फिर भी लेके आते रहता हूँ, जबकि 10-12 हज़ार रुपये के लिए कोई भी नहीं करेगा इतना मेहनत, मैं तो करता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए 10-12 हज़ार के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, या आप यही समझ लो कि 10-12 हज़ार के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ या आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ जो भी है। मैं बहुत सारी वीडियो अभी तक मोनेटाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मोटिवेशनल वीडियो रहती है मैं उनको मोनेटाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोगों तक जाए, ये भी मोनेटाइज नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी वेबसाइट की बताता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वेबसाइट भी चलाता हूँ, मगर वेबसाइट मैंने अभी तक मोनेटाइज पे अवेलेबल रखा हुआ है, जबकि मेरा जो वेबसाइट है वो मोनेटाइजेशन के लिए इनिजिबल है, जो कि जो उसमें गूगल एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेरे पूरे हैं, जो कि जो गूगल एडसेंस को जो टर्म्स एंड कंडीशन मांगता है वो मैंने पूरे फिलअप कर लिया। जैसे कि बोलते हैं कि 30-35 पोस्ट जरूरी है ब्लॉग्स पे या वेबसाइट पे पोस्ट करना है, इसके लिए मैंने वो भी कर लिया, वो भी पूरा कर लिया, जो भी वेबसाइट का URL या पोस्ट वोस्ट में वो पूरी वो कर लिया है, फिर भी मैंने अभी तक मोनेटाइज नहीं किया, क्योंकि मैं उस पर डालता नहीं हूँ, ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, कभी कभार महीने में हफ्ते में एक बार पोस्ट कर दिया, नहीं तो ज़्यादातर नहीं करता हूँ, कभी भविष्य में काम आएगा या कभी जॉब नहीं करूँ, मेरा मूड करेगा कि जॉब नहीं करूँ तभी मैं उसको मोनेटाइज करूँगा, अभी फिलहाल मैं उसको मोनेटाइज करने के मूड में नहीं हूँ। और अगर आप उसको ब्लॉग को देखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस ब्लॉग पे जा सकते हो, पढ़ सकते हो, क्रिकेट न्यूज़ के बारे में मैं उस पर बताता हूँ, और एक दूसरा चैनल है मेरा शोभन भंडारी, उसमें भी मैंने क्रिकेट के बारे में बता रखा है, क्रिकेट के बारे में बताते रहता हूँ, अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो नीचे मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, आप उस पर भी जाकर देख सकते हो मेरे क्रिकेट के वीडियो, उस पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे।